हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज आप देखोगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली विस्की इंपीरियल ब्लू को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसके साथ ही हम आपको इस विस्की से जुड़ी जरूरी जानकारी भी देने वाले हैं। साथ ही फैक्ट्री में केक और पिज्जा कैसे बनता है इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सो प्लीज गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें। स्टार्ट करते हैं एम्ब्रो पिज्जा 2.0 से। पिज्जा खाना किसे पसंद नहीं है, लड़का हो या लड़की, हर किसी को आज पिज्जा खाना बेहद ही पसंद है। लेकिन आप इसे खा तो लेते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इसको कैसे तैयार किया जाता है? नहीं तो ध्यान से देखिए दोस्तों। इस मशीन में पिज्जा को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है आटे की, जिसमें विभिन्न टाइप की सामग्रियों को डालकर इस आटे को गूंदा जाता है। फिर इस गूंदे हुए आटे को इस एम्ब्रो पिज्जा 2.0 मशीन में लगाते हैं और आटा लगाने के तुरंत बाद ही इसको ऑन कर देते हैं, जहां इस आटे की सबसे पहले कुछ साइडें काटी जाती हैं और आगे लगे ये रोटी के साइज के कटर इसको पिज्जे के बराबर साइज में गोल कर देते हैं। उसके तुरंत बाद ही इसके ऊपर सॉस को इन रोलिंग मशीन के द्वारा लगाया जाता है। फिर इस पिज्जा के ऊपर डेकोरेटिंग करके उन्हें ओवन में डालकर सुखाया जाता है। और लो जी, तैयार है आपका पिज्जा। दोस्तों अगले नंबर पर है GS10 बेल्ट कटर। 2020 में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारे घर की महिलाएं या फिर आज की मॉडर्न बहुएं सब्जियां काटना भी पसंद नहीं करती हैं और मार्केट से वह कटी हुई सब्जियां लाना ज्यादा पसंद करती हैं। और जिन्हें नहीं पता होता है कि मार्केट में कटी हुई सब्जियां मिलती हैं, तो वो हमारी वीडियो देखकर जानकारी ले लेती हैं। दोस्तों उन सब्जियों को काटने के लिए इन मशीन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले किसी भी पत्ता गोभी, बंद गोभी या फिर कोई भी छोटी मोटी सब्जी, पहले तो उनको बीच से काट कर इस मशीन पर रखा जाता है। फिर इसके आगे लगा ये कटर इसको अपने तेज धारदार ब्लेडों से सब्जी को काटना शुरू कर देता है। बल्कि दोस्तों इसमें ब्लेड भी तरह तरह के लगे होते हैं, जिससे कि आप किसी भी शेप में अपनी सब्जियां काट सकते हैं और ये छोटी मशीन आप अपने घर में भी ले जा सकते हैं, ताकि घर में उपस्थित माताओं बहनों की थोड़ी मदद हो जाए। दोस्तों अगले नंबर पर है पास्ता मेकिंग। दोस्तों ये हाउसफुल 2 वाला पास्ता नहीं है, बल्कि ये तो बेहद ही टेस्टी पास्ता है। वैसे इसको बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है सूजी, ऑयल, वाटर और सॉल्ट की, व विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट को भी इसके अंदर डाला जाता है। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वह यही है दोस्तों। एक तरफ से तो इसका पेस्ट डाला जाता है और दूसरी तरफ से ये गोल रोल निकल कर बाहर आते हैं। आप देख लीजिए कि ये कैसे लगते हैं। और जैसे ही ये गोल रोल बन जाते हैं तो इनको रोल करके लपेट लिया जाता है और अगली मशीन में शेप देने के लिए भेजा जाता है। इस पास्ता के तरह तरह के शेप तैयार हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको तरह तरह का पास्ता डिजाइन में बनाना है, तो उसके लिए ये कमाल की मशीन जिसका नाम है सर पास्ता XP, जिसमें बस केवल आप सूजी को डालिए और आप अपने स्टाइल का शेप मशीन के ऊपर फिट कर लीजिए। आप देखेंगे कि यह कमाल की मशीन तरह तरह के पास्ता आपको बनाकर दे देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं इंडिया की मोस्ट पॉपुलर विस्की इंपीरियल ब्लू को कैसे बनाया जाता है, जिसका एक घूंट तन मन को तरोताजा कर देता है। पार्टी हो या फिर गोवा का बीच,
जब खुली वादियों में इसका एक घूंट लगाते हैं तो मजा कुछ और ही होता है। तो ध्यान से देखिए इस विस्की को कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस विस्की को 1997 में पर्नोल्ड रिकॉर्ड कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें 42.8% अल्कोहल पाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले इसको तैयार करने के लिए इसकी बोतलों को तैयार किया जाता है। उसके लिए पुराने कांच को फैक्ट्री में लाकर पिघलाया जाता है और उस लाल कांच से इन मशीनों के द्वारा इन बोतलों को तैयार किया जाता है। यहीं पर कांच के तरल पदार्थ में अगर कोई दूसरा कलर मिला देते हैं तो कांच की बोतल का कलर अलग हो जाता है। दोस्तों बोतल के बन जाने के बाद इंपीरियल ब्लू का तरल पदार्थ बनाया जाता है और इस लिक्विड को बनाने के लिए 7 स्टेप से इसको गुजारा जाता है। दिखाते हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले इस विस्की को बनाने के लिए विस्की पानी, खमीर, अनाज व गन्ने के मोलासेस को यूज किया जाता है। यहाँ पर जरूरी बात, पानी को कार्बोनेटेड करके यूज में लिया जाता है। इसके साथ ही हर विस्की मेकर खमीर की पूर्ति के लिए जौ और मोल्ट को उगाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस विस्की में 80% मोलासेस भी होता है जो कि गन्ने को सड़ाकर बनाया जाता है। जी हाँ, और ग्रेन्स का भी इस विस्की में 20% यूज होता है। इसी के साथ ये विस्की नहीं कहलाती है बल्कि ये एक रम हो जाती है क्योंकि इसके अंदर 80% मोलासेस पाया जाता है जो कि गन्ने से प्राप्त होता है। दोस्तों इस रम के मिश्रण को बनाने के लिए इसको मास्किंग, फर्मेंटिंग, डिस्टिलिंग और एगिंग करने के बाद इसको ब्लेंडिंग करके इसको बोतल में भरने के लिए तैयार किया जाता है। पहले जो बोतल बनी थी उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रख कर आगे भेज देते हैं जहां ये महिलाएं बोतल में ब्लेंडेड इंपीरियल ब्लू के लिक्विड को इसमें भर देती हैं और आगे इनकी बोतल पर ढक्कन को लगा दिया जाता है और मशीन की सहायता से इसकी सील पैक कर दी जाती है। फिर इनकी लीकेज चेक की जाती है कि कोई रम लीकेज तो नहीं है और लो जी तैयार हो गई आपकी इंपीरियल ब्लू, जिसको कागज के कार्टूनों में भरकर आप तक पहुंचा दिया जाता है। और आप जानते ही हो कि आप इस विस्की को कितना अधिक पसंद करते हैं। तो दोस्तों मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने अभी तक इस विस्की का एक भी पैग लगाया है या फिर नहीं। दोस्तों अगले नंबर पर है बर्थडे केक। केक हर किसी की पहली पसंद होता है और इसको खाया तो कम जाता है बल्कि लगाया ज्यादा जाता है। वैसे इस केक को बनाने के लिए डबल रोटी व क्रीम के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है जिसको मशीन में भर देते हैं। उसके बाद सारा काम ये मशीन स्वयं ही करती है। कैसे आप खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। इश्क की चाल जलना।